बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा बायोलॉजिकल मेथड में फिफ्थ स्टेप जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है एक्सपेरिमेंटेशन। हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम लोग ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं और ऑब्जर्वेशन के बाद हम लोग हाइपोथेसिस बनाते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं और फिर उसके बाद हम लोग डिडक्शंस करते हैं। डिडक्शंस के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है वो है एक्सपेरिमेंटेशन, जो कि एक बहुत अहम और मेजर स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड में। एक्सपेरिमेंटेशन इज डन टू सी इफ हाइपोथेसिस इज ट्रू और नॉट। एक्सपेरिमेंट हम लोग परफॉर्म क्यों करते हैं? जो हाइपोथेसिस हमने बनाया होता है, जैसा कि मलेरिया के केस में हमने कहा था कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, ये हमने एक हाइपोथेसिस बनाया था। अब हमने उसको चेक करना है कि वाकई प्लाज्मोडियम मलेरिया का कॉज है या नहीं, यानी कि वो हाइपोथेसिस ट्रू है या नहीं, उसको चेक करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंटेशन यानी कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होता है। एक्सपेरिमेंट क्या करता है? इट प्रोवाइड्स वैलिडिटी ऑफ हाइपोथेसिस। ये हमें हाइपोथेसिस की वैलिडिटी के बारे में बताता है कि वो हाइपोथेसिस हमारे पास ट्रू है या फॉल्स है। अब हम देख लेते हैं कि कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट क्या होता है। कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए हम लोग ये देख लेते हैं कि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं साइंस में, तो हम दो तरह के ग्रुप्स बना लेते हैं। एक को हम कह देंगे कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और दूसरे को हम कह देंगे कि ये कंट्रोल ग्रुप है। इन दोनों ग्रुप के सारी कंडीशंस को हम लोग सिमिलर ही रखते हैं, एक जैसे ही रखते हैं। जस्ट वन जो वेरिएबल होता है उसको हम चेंज कर देते हैं, जिसको कि हमने टेस्ट करना होता है। सारी कंडीशंस सेम होती हैं, सिर्फ एक वेरिएबल जो है वो हम लोग चेंज कर देते हैं इन दोनों ग्रुप में। जैसा कि आप लोगों के मलेरिया के केस में हाइपोथेसिस था कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, अब उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हमने एक्सपेरिमेंट आगे परफॉर्म किया। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए हम लोगों ने दो तरह के ग्रुप्स बनाए। एक को हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बोला, जिसमें कि हम लोगों ने मलेरिया के पेशेंट लिए, और दूसरे को हमने कंट्रोल ग्रुप बोला, जिसमें हमने हेल्दी पेशेंट्स लिए। 100 मलेरियल पेशेंट जो कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आ गए और 100 हेल्दी पेशेंट्स लिए जो कि कंट्रोल ग्रुप में आ गए। जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो हमने देखा कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जो 100 मलेरियल पेशेंट्स थे उन सब के ब्लड में हमें प्लाज्मोडियम मिला, और जो कंट्रोल ग्रुप के 100 पेशेंट्स थे हेल्दी, उसमें सिर्फ 10 में हमें प्लाज्मोडियम, 10 के ब्लड में हमें प्लाज्मोडियम नज़र आया। वो जो 10 के ब्लड में हमें प्लाज्मोडियम नज़र आया, उसका मतलब क्या है कि वो अभी जो है वो इंक्यूबेशन पीरियड में था प्लाज्मोडियम। इंक्यूबेशन पीरियड मीन्स कि अभी जो वो पैरासाइट या कोई भी जर्म है जो हमारी जो बॉडी में अगर एंटर हुआ है, तो वो अभी सिर्फ एंट्री के फेज़ में है। अभी सिम्टम्स जो है उसके थोड़े थोड़े जाहिर हुए हैं, लेकिन पूरी तरह से वो उस मतलब मलेरिया से अफेक्टेड नहीं है। तो शॉर्ट पीरियड को या एंट्री पीरियड को किसी भी पैरासाइट के हम कह देंगे कि वो क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो इससे हम पता क्या चला कि वाकई ही मलेरिया का जो कॉज है वो क्या है, कॉजेटिव एजेंट क्या है, प्लाज्मोडियम ही है। तो ये हाइपोथेसिस जो हमने बनाया था कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, जब हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसके रिजल्ट से हमें पता चला कि ये हाइपोथेसिस हमारे पास ट्रू है। आपकी बुक में जो एग्जांपल दी गई है वो प्लांट से रिलेटेड दी गई है। एग्जांपल क्या है? उन्होंने चेक किया है टू टेस्ट नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, इनके फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कितनी ज़रूरी है, उन्होंने ये चेक करना है। अब उन्होंने प्लांट्स के दो तरह के ग्रुप्स बना लिए। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में प्लांट्स थे जिनको कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी जिनके पास नहीं थी, और कंट्रोल ग्रुप में ऐसे प्लांट थे जिनको फ्रीली कार्बन डाइऑक्साइड क्या थी, अवेलेबल थी। अ प्लांट विद नो कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबिलिटी, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास एयर में ही मौजूद होती है, तो उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा कि उसको प्लांट को कवर करके रखा होगा, तो उसको जो है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही होगी। और कंट्रोल ग्रुप में जो है वो प्लांट जो है वो ओपन एयर में मौजूद होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, फ्रीली अवेलेबल है उसके पास। तो इस केस में हाइपोथेसिस क्या बनेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इस कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन है कि क्या वाकई कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए,
और डिडक्ट हम ये कर लेते हैं उस हाइपोथेसिस से कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो फोटोसिंथेसिस होगी और अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ये हमने डिडक्ट कर लिया अपने हाइपोथेसिस से। तो अब रिजल्ट क्या होगा कि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं थी प्लांट को, वो क्या करेगा कि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी उस प्लांट में। एज अ रिजल्ट नो फोटोसिंथेसिस विल अकर, यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में। फिर क्या हुआ कि फोटोसिंथेसिस भी नहीं हुई। इसी तरह कंट्रोल ग्रुप में क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड फ्रीली अवेलेबल थी तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया कि फोटोसिंथेसिस हो गई, फोटोसिंथेसिस अकर। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला कि जो हमारा हाइपोथेसिस था कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, वो क्या है, वैलिड है, करेक्ट है हमारे पास। तो एक्सपेरिमेंटेशन हमें क्या बताता है, वैलिडिटी के बारे में बताता है। इट टेल्स अस अबाउट द वैलिडिटी ऑफ हाइपोथेसिस। इसीलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड में। एक्सपेरिमेंटेशन के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है वो है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। हम लोग जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं उससे जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं उस सारे डाटा को हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और फिर उसको अरेंज करते हैं या तो टेबल्स की फॉर्म में या और फिर उसको क्या करते हैं, उसकी एवरेज निकालते हैं और उसको उस डाटा को कंपेयर करते हैं। समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स इन्वॉल्व डाटा कलेक्टेड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट इज अरेंज्ड, यानी कि जो भी हमारे पास एक्सपेरिमेंट से डाटा हमारे पास आया उसको हम क्या करते हैं, अरेंज कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं उस डाटा का और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, यानी कि कंक्लूजन उस डाटा से जो भी हमें रिजल्ट्स मिले हैं, ठीक है, यानी जो भी हमें कंक्लूजन मिला है उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, यानी कि जितनी जो भी हमारे पास वैल्यूज आई होती हैं हम उसको एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड में वो है रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। अब जो हम लोगों ने रिजल्ट्स या कंक्लूजन हम लोगों ने निकाल लिया उसको रिपोर्ट करना, रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है कि उसको पब्लिश करना, एक बहुत ही अहम स्टेप है। पब्लिश करना क्यों ज़रूरी है, इसलिए कि जो हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है और जो नॉलेज हमारे पास आई है उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद वो हम दूसरों तक डिलीवर नहीं कर सकते जब तक कि हम उसको पब्लिश ना कर दें। जैसे कि अब आप लोग मलेरिया के बारे में ये सारा कुछ पढ़ रहे हैं, आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है, अगर वो बुक में पब्लिश ना हुआ होता तो आपको सारी नॉलेज नहीं मिलती कि किसने क्या क्या काम किया था, कैसे कैसे उसने जो है वो ऑब्जर्वेशन बनाई थी और क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, फिर उसका क्या रिजल्ट निकला था, वो हमें कभी भी पता ना चलता अगर तो वो सारी जो है नॉलेज उसकी पब्लिश ना हुई होती। तो पब्लिशिंग ऑफ रिजल्ट्स इन बुक्स, जर्नल्स एंड आर्टिकल्स एक्सेट्रा। रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे पास रिजल्ट्स आए होते हैं, जो भी हमारे पास नॉलेज आई होती है, जो भी डाटा होता है उसको हम क्या करते हैं, पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश किस चीज़ में करते हैं, या तो जर्नल्स में करते हैं या आर्टिकल्स में करते हैं या बुक्स में पब्लिश कर देते हैं हम लोग। इट अलाउज, पब्लिशिंग क्या करती है, इट अलाउज वेरिफिकेशन ऑफ द रिजल्ट्स एंड गिव्स नॉलेज अबाउट द प्रॉब्लम। पब्लिशिंग से हमें क्या बेनिफिट मिलता है कि हम रिजल्ट्स को वेरीफाई कर सकते हैं, यानी कि अगर अब वही एक्सपेरिमेंट सेम जो है कोई और बंदा भी परफॉर्म करना चाहे तो वो क्या होगा, अगर सेम रिजल्ट निकल के आ रहे हैं वही जो उस एक्सपेरिमेंटर ने परफॉर्म किए थे और जो उसके पास रिजल्ट आए थे, वही अगर न्यू जो एक्सपेरिमेंटर है उसने परफॉर्म किया और वही सेम रिजल्ट आया तो वो क्या करता है, उसके रिजल्ट को वेरीफाई कर देता है, उसकी वैलिडिटी को शो करता है हमारे पास कि हाँ वाकई ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ था इसके यही रिजल्ट निकले थे, ये नॉलेज क्या है, ऑथेंटिक है हमारे पास। इसके अलावा हमें जो है उस प्रॉब्लम के बारे में ये नॉलेज भी देती है। मलेरिया के बारे में जो हमारे पास अभी सारी जो भी नॉलेज हमारे पास है, प्रायर नॉलेज जो भी हमारे पास मलेरिया से है मिली है हमें, वो इसी पब्लिशिंग के थ्रू मिली है। अभी हमने तो कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया तो हमें किस तरह से इसके बारे में पता चला, क्योंकि हमने जो पब्लिश की हुई थी साइंटिस्ट ने चीज़ें उनको पढ़ा तो हमें पता चला। तो ये हमें क्या देती है, नॉलेज भी देती है अबाउट द प्रॉब्लम। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल अबाउट द बायोलॉजिकल मैथड और इसके सारे स्टेप्स जो हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे तरह से समझ आ गया होगा। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफिज़।